मध्य प्रदेश के खरगोन में देश के पहले गो मुक्ति धाम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मृत गाय का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अवधूत संत श्री टाटंबरी सरकार एवं समाज सेवी देवेंद्र साधो ने पंडित दिलीप सोहनी के आचार्यत्व में 11 बटुकों द्वारा कराई विधि विधान से पूजा अर्चना। पवित्र और पावन नगरी महेश्वर की धर्म श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ते हुए गो सेवाओं की भावनाओं का आदर करते हुए अनेक गो सेवकों के जन सहयोग से काली गुफा क्षेत्र की 2 एकड़ भूमि पर विश्व का पहला गो मुक्ति धाम गो माता को समर्पित हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि महेश्वर में बना गो मुक्ति धाम विश्व का पहला गो मुक्ति धाम है, जहां विधि विधान के साथ गो माता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सदियों से जो हमारा पुरातन सनातन धर्म है, उसमें गौशाला और गो माता का बहुत महत्व है। ये कहा गया है कि गो माता के खुरों में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, और चूंकि सदियों से गो माता के लिए गौशालाएं बनाई गई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी गो मुक्ति धाम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि देह त्यागने के बाद गौ माताओं की बड़ी दुर्दशा होती है। कोई चमड़ा खींच रहा है तो कोई कुत्ते खा रहे हैं। तो मेरे मन में विचार था, कुछ हमारे भाइयों ने, ये बल्लू भाई, इन लोगों ने भी सलाह दी कि भाई अपन क्यों नहीं एक गो मुक्ति धाम की बात करें। तो हमने 10 दिन के अंदर ये प्रण लिया कि कोई ऐसा काम करें जो वाकई सनातन धर्म की अनुरूप हो, और चूँकि महेश्वर जो है ये पुरातन नगरी है और महेश्वती के नाम से जानी जाती गुप्त काशी है, और यहाँ से अच्छा माँ गो माँ के लिए कोई मुक्ति धाम नहीं हुआ, तो यहाँ उसी उद्देश्य से हम लोगों ने गो मुक्ति धाम टाटंबरी सरकार के सानिध्य में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिला